गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि दी पिंपल्स हो चुके हैं हमारे फेस के ऊपर, जल्दी जाते ही नहीं है, क्या ऐसा अप्लाई करें, कौन सा डीआईवाई यूज करें, कौन से स्किन केयर रूटीन फॉलो करें, आपने क्या किया ऐसा जिसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर आप पिंपल्स नहीं होते। पहले मेरे फेस के ऊपर बहुत ज्यादा पिंपल्स होते थे, जो रेगुलर मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है। तो डियर, कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ तो ऐसा नहीं है, बट कुछ चीजें हैं जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नोटिस किया है, जो मेरे ऊपर काम करते वही बस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले पानी बहुत पियो, बहुत 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 सारा आपने पानी पीना है। दूसरा, आपने क्या करना है, अपना जो भी आपका नैपकिन होता है ना, वो आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। जिसके साथ आप अपने बाथरूम में हाथ वगैरह पोछते हो उसके साथ अपने अपने फेस को नहीं क्लीन करना। मैं अपने पास रखती हूँ, उस नैपकिन को कोई भी नहीं हाथ लगाता है। जो आपका बाथिंग टॉवल होता है जिससे आप अपने पूरी बॉडी को यू नो ड्राई करते हो, उसको भी आपने अपने फेस के ऊपर नहीं यूज करना। सुबह जब आप उठोगे, चाहे बेसन के साथ अपना फेस वॉश कर रहे हो, चाहे जिसके साथ भी कर रहे हो, प्लीज फॉलो करो अपनी स्किन केयर रूटीन। यानी कि सुबह उठे फटाफट से अपना यू नो टीवी देखने बैठ गए, लाइक छुट्टी वाले दिन, जो भी स्किन केयर रूटीन अपने फॉलो करो प्रॉपर। यू नो फेस को क्लीन करो, टोनिंग लगाओ, टोनर अप्लाई करो, मॉइस्चराइजर लगाओ, लिप बाम लगाओ, अंडर आई क्रीम लगाओ। मैं तो दिन में भी लगाती हूँ यार अंडर आई क्रीम। सनस्क्रीन मस्ट है, प्लीज सनस्क्रीन। जितना मैं उस बात के ऊपर स्ट्रेस डालूं उतना कम है। मैंने नोटिस किया, मैं पहले सनस्क्रीन लेने लगाती थी, मेरी स्किन डल रहती थी, अब मैं घर पे भी सनस्क्रीन लगाती हूँ, चाहे मैं अंदर कमरे में क्यों ना बैठी रहूं। ठीक है, सनस्क्रीन आपने जरूर लगानी है। मेकअप अगर आप दिन में करते हो, नहीं करते हो, कोई मैटर नहीं करता। रात को आपने अपनी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन जरूर फॉलो करनी है, क्लेंजिंग करनी है, साथ में अपने फेस वॉश करना है एंड टोनिंग वगैरह सब कुछ जो भी प्रोसेस है। ठीक है, मेकअप करते तो जो मर्जी हो जाए, चाहे नींद में हो, मेकअप जरूर उतार के सो। मैं इतना ज्यादा थक जाती हूँ, लेट नाइट शूट करती हूँ, फिर भी मैं अपना मेकअप उतार के ही सोती हूँ। साथ में डियर, मैं आप लोग साथ शेयर करना चाहती हूँ इस फेस वॉश का, यू नो इस फेस वॉश का रिव्यू शेयर करूंगी। क्यों शेयर करूंगी? क्योंकि मैंने नोटिस किया है, मैंने पहले भी अपनी हॉल वीडियोज में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरे ऊपर ना नीम, टी ट्री, तुलसी और एलोवेरा, ये जो चार इंग्रेडिएंट्स है ना, जो चार इंग्रेडिएंट्स वाले जो फेस वॉशेस होता है या कोई क्रीम होते हैं, मुझे पक्का सूट करते हैं। स्पेशली फेस वॉशेस वगैरह मैंने नोटिस किया है। क्रीम तो मैं कोई भी यूज कर लेती हूँ, लेकिन फेस वॉश अगर मुझे ये वाले इंग्रेडिएंट्स वाला मिल जाता है, मैं उसको जरूर ट्राई करती हूँ। आप लोगों के साथ ये वाले हॉल में शेयर किया था फेस वॉश, एंड उस समय आपने देखा थोड़ा भरा हुआ है। राइट नाउ आप देख सकते हो बिल्कुल पिचक चुकी है इसकी ये वाली ट्यूब, क्योंकि मैं इसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर रही हूँ। इसके अंदर अब क्या है, वाव का एंटी एक्ने फेस वॉश है। सबसे पहले एंटी एक्ने, इसके नाम में लिखा हुआ है कि एक्ने के ऊपर काम करेगा। टी ट्री एसेंशियल ऑयल है जो मुझे सूट करता है, नीम लीफ डाला है जो मुझे सूट करता है, मलबरी और लीकरिश एक्सट्रैक्ट है। लीकरिश क्या करता है, ये मुलेठी को बोलते हैं बाय द वे, कि आपके जो भी पिंपल्स खत्म हो गए उसके बाद जो दाग धब्बे नहीं रह जाते, ये उसको लाइटन अप करने में हेल्प करता है, स्किन को गोरा करने में हेल्प करता है, आपके दाग धब्बों को छुपाता है। वाव के प्रोडक्ट्स मैं पर्सनली बहुत टाइम से अब यूज कर रही हूँ, इसलिए भी मुझे पसंद आता है, क्योंकि पैराबेंस नहीं है, सल्फेट्स नहीं है, सिलिकॉन्स नहीं है, कोई भी एडेड कलर नहीं है। बाय द वे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ये वाला फेस वॉश, देख सकते हो आप, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी आती है, हल्की सी फ्रेग्रेंस आती है, अच्छी आती है। डर्मेटोलॉजिकली भी ये वाला टेस्टेड है, तो आपको एक बार जरूर इसको ट्राई करना चाहिए। एंड या लेट्स बिगिन। आप लोगों के साथ एक छोटा सा मैंने टिप्स एंड जो भी मेन जो चीजें थी वो तो मैंने शेयर कर ही दी है। एक छोटा सा एक फेस पैक होगा जिसको आप रेगुलर बेसिस पे यूज करो, आपको काफी यू नो जल्दी छुटकारा मिल जाएगा पिंपल से। एंड एंटी एक्ने फेस वॉशेस वगैरह आप यूज करो जो बहुत काम आते हैं पिंपल्स को हटाने में। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके परचेज लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। चलो वीडियो देखो गाइज। ये है तुलसी, रेड वाली तुलसी और ग्रीन वाली तुलसी। हम सबके घर में ही तुलसी का पौधा होता है। मैंने थोड़े थोड़े पत्ते दोनों के ले लिए हैं, एंड बीच में जो बीज होते हैं ना वो भी मैंने ले लिए। बहुत ज्यादा फायदा करता है, एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है। बाय द वे आजकल मैं तुलसी वाली चाय पी रही हूँ, क्या चाय बनती है टेस्टी सी। ओके, अब मैंने इसको अच्छी तरह से बॉयल करना है, 5-7 मिनट के लिए। देख लो आप, अच्छी तरह से बॉयल कर लो ताकि इसका पानी का ना कलर ही देखो चेंज हो गया है। अब इसको ठंडा होने के लिए आप ऐसे ही छोड़ दो 5 मिनट के लिए, गुनगुना हो जाए, एकदम ठंडा भी मत हो। ये है मेरा मुल्तानी मिट्टी, 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले रही हूँ। आप चाहो तो आप चंदन पाउडर ले सकते हो, बेसन ले सकते हो, कुछ भी है। तीनों चारों चीजों को ना थोड़ा थोड़ा ऐड कर सकते हो इक्वल क्वांटिटी में। मुझे इस फेस पैक को ईजी बनाना था, इसलिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ली। उसके अंदर मैं डाल रही हूँ वाव की एलोवेरा जेल, 1 स्पून एलोवेरा जेल डलेगी। ये आपका टोनर का भी काम करता है, स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। एंड अब मैं डालूंगी ये तुलसी वाला पानी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं, मैंने आपको अभी अभी बताया, तो ये आपकी स्किन को एकदम प्योरीफाई करेगी, अच्छा कर देगी। तो मिक्स कर लो आप अच्छी तरह से तीनों इंग्रेडिएंट्स को। गाइस आप इसके अंदर मुलेठी का पाउडर भी डाल सकते हो, जो पाउडर के साथ मिक्स करना चाहते हो कर सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, जो आपकी स्किन को सूट करता है। अब ये चीज ध्यान से देखो, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टी ट्री एसेंशियल ऑयल।
2 to 3 ड्रॉप्स, ठीक है, आप 2 ड्रॉप्स डाल लेना। टी ट्री एसेंशियल ऑयल है, हर किसी के पास ही होती है, कोई भी ब्रांड का आप यूज कर लो। अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ अपने फेस को वॉश करना है मैंने, तो थोड़ा सा अपने फेस को मैंने गीला कर लिया। मैं यहाँ पे यूज करूंगी वाओ का एंटी एक्ने फेस वॉश, बहुत ही सही वाला फेस वॉश है। क्वांटिटी आप देख लो जरा, ट्यूब से आप जजमेंट लगाओ। मैंने इतनी इसको पिचका दी है ना ट्यूब को यूज कर करके इसके, क्योंकि मुझे काफी पसंद आ रहा, मुझे सूट कर रहा है एक्चुअली ये। बेसिकली मुझे ना टी ट्री वाला एसेंशियल ऑयल इसके अंदर डाला है, नीम लीफ डाला है, मलबरी डाला है, लीकरी एक्सट्रैक्ट डाला है, जो ना स्किन के एक्ने को भी कंट्रोल करता है, ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है, अगर कोई रेडनेस है, इचीनेस है फेस पे तो वो उसको भी ठीक करेगा, दाग धब्बे हैं, दाग धब्बे होने के बाद जो स्पॉट्स रह जाते हैं वो उसको भी ये लाइटन अप करता है। अच्छी तरह मैं फेस के ऊपर इसको मसाज करूंगी 2 मिनट के लिए, ताकि जितनी गंदगी है, धूल मिट्टी मेरे फेस से निकल जाए। एंड उसके बाद आप देख सकते हो मेरा फेस एकदम क्लीन हो गया, मैंने इसको पानी के साथ रिंस कर लिया। जरूर आप ये वाला फेस वॉश यूज करो अगर आपको एक्ने की प्रॉब्लम है, नहीं ठीक हो रही आप इसको यूज कर सकते हो। वॉ के प्रोडक्ट्स ऐसे भी गाइस, इसमें पैराबेंस नहीं होते, सल्फेट्स नहीं होते, सिलिकॉन्स नहीं होता, कोई भी एडेड कलर नहीं, आपने देखा ये ट्रांसपेरेंट है ये वाला फेस वॉश, और डर्मेटोलॉजिकली भी टेस्टेड है। लुक एट माई स्किन, एकदम क्लीन होगी, क्लियर होगी। अब मैं लगाऊंगी अपना जो मैंने DIY फेस पैक बनाया है उसको लगाऊंगी। ट्रस्ट मी, इसकी इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही थी ना, ये जो मैंने इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी डाली थी ना, मुझे मिट्टी की फ्रेग्रेंस बहुत पसंद आती है। एंड जो टी ट्री एसेंशियल ऑयल था, तुलसी थी, सबकी फ्रेग्रेंस मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा ठंडा जरूर लग रहा था क्योंकि विंटर्स का टाइम है और मैं शाम को शूट कर रही थी, बट कोई बात नहीं, अगर स्किन को ठीक करना है कुछ तो एफर्ट तो आपको देर डालना ही पड़ेगा ना। पूरा फेस पैक मैंने लगा लिया एंड 20 मिनट्स, देख लो 20 मिनट के बाद भी ये पूरा ड्राई नहीं हुआ, क्योंकि ठंडी इतनी है तो भैया ड्राई हो ही नहीं रहा था, लेकिन 20 से 25 मिनट मैंने इसको रख लिया था और चीक्स एरिया पे नहीं ड्राई हो रहा था। गर्मियों में टाइम में लगाओगे ना तो 10-15 मिनट में एकदम ड्राई हो जाएगा। बस अब मैं इसको अपने फेस को वॉश कर लूंगी, स्किन देख सकते हो मेरी एकदम क्लीन होगी। हफ्ते में 3 बार आप इसको यूज करो, कोई भी एज ग्रुप आप इसको यूज कर सकता है, ठीक है। अगर आपकी बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है तो आपको थोड़ा सा ड्राई करेगा, बट ये है ही फेस पैक यार, पिंपल वाले स्किन वालों के लिए तो वही लोग यूज करेंगे, ऑयली स्किन, पिंपल प्रोन स्किन वाले, ठीक है। तो जरूर आप हफ्ते में 2 से 3 बार आप इसको यूज करो, आपकी स्किन एकदम क्लीन होती जाएगी। एंड वाओ का ये जो एंटी एक्ने फेस वॉश है आप इसको जरूर ट्राई करो। अब मैं क्या करने वाली हूँ, एक एक्स्ट्रा स्टेप है, थोड़ी सी मैं वाओ की एलोवेरा जेल ले रही हूँ, उसके अंदर सिर्फ 1 ड्रॉप टी ट्री एसेंशियल ऑयल डालना है आपने, सिर्फ 1 ड्रॉप डालना है आपने टी ट्री एसेंशियल ऑयल, मिक्स कर लो दोनों का। ये आपका टोनर का काम करेगा, फेस सीरम का काम करेगा, एंटी एक्ने फेस सीरम अगर आप बनाना चाहते हो तो गाइस सिर्फ एलोवेरा जेल में 1 ड्रॉप ना टी ट्री एसेंशियल ऑयल डाल लो, देखो आपका कैसे सीरम रेडी हो जाता है और आपकी स्किन भी हाइड्रेटेड फील होगी। इसको अच्छे से मसाज कर लो, उसके बाद ना आप अपनी कोई भी पसंद की मॉइस्चराइजर क्रीम अपने फेस के ऊपर लगा लो, बस आपने और कुछ नहीं करना। दिन में आप 2 बार भी ये वाला सीरम खुद ही बना के ऐसे आप लगा सकते हो और इसको एयर ड्राई होने दो, फिर एकदम आपके पिंपल्स जितने एकदम ठीक हो जाएंगे। फेस वॉश जरूर ट्राई करना, आपको पक्का पसंद आएगा। गाइज आज की वीडियो मैंने यूज किया है वाओ स्किन साइंस का एंटी एक्ने फेस वॉश, इसके अंदर है टी ट्री एसेंशियल ऑयल, नीम लीफ, मलबरी, लीकरिस एक्सट्रैक्ट और इसके अंदर 100% नेचुरल बायो एक्टिव्स डाले हुए हैं। एक्ने को कंट्रोल करेगा, ब्लैक हेड्स एंड अगर आपके व्हाइट हेड्स भी है ना तो वो उसको भी कंट्रोल करेगा, जो बहुत ही ज्यादा गंदे लगते हैं यार फेस के ऊपर। और अगर आपकी रेडनेस हो जाती है, क्योंकि जिनको पिंपल्स होते हैं ना बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाती है, इचीनेस रहती है फेस के ऊपर, ये उसको भी ठीक करेगा। और अगर आपके दाग धब्बे हैं, क्योंकि पिंपल्स जैसे ही खत्म होते फिर उसके बाद इश्यू एक नया शुरू हो जाता है दाग धब्बों का, ये आपके एक्ने स्कार्स को कम करेगा, जो भी डार्क स्पॉट्स वगैरह हुए उसको भी कम करेगा। वाओ ब्रांड के प्रोडक्ट्स इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि पैराबेंस नहीं होता, सल्फेट्स नहीं है, सिलिकॉन्स नहीं होते, कोई भी एडेड कलर नहीं है इसके अंदर और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं। जो इसके अंदर टी ट्री एसेंशियल ऑयल डाला है और नीम लीफ एक्सट्रैक्ट डाला है, ये आपके जितने भी एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं ना वो उसको खत्म करेगा, और जो भी इन्फेक्शन हो जाता है आपके पोर्स में ये उसको भी ठीक करेगा। सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर डाला है, सैलिसिलिक एसिड बाय द वे जिनके पिंपल्स होते हैं ना उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड इसके अंदर है जो जेंटली ना एक्सफोलिएट कर देगा आपके डेड स्किन सेल्स को, अनक्लॉग करेगा आपके पोर्स को। और जो इसके अंदर डाला है एलोवेरा, ये आपका टोनर का काम करता है एलोवेरा, जो आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा, सॉफ्टन अप करेगा और साथ में अगर आपकी इन्फ्लेमेशन है, इचीनेस है, उसको भी ठीक करेगा। एंड आपने एक चीज नोटिस की, मैंने बाद में भी एक एलोवेरा प्लस टी ट्री एसेंशियल ऑयल मिक्स करके फेस के ऊपर अप्लाई किया, क्योंकि वो हेल्प करेगा आपके फेस को अच्छी तरह से जल्दी आपके एक्ने को खत्म करने में।
100 ml आपको इसकी क्वांटिटी मिल जाएगी एंड प्राइस इसका बिल्कुल सही है गाइस, 300 rupees, सिर्फ 300 rupees इसका प्राइस है। परचेज लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, इनकेस अगर कोई डिस्काउंट होगा तो आप जाके चेकआउट कर लेना। टोटली वीगन है ये वाला प्रोडक्ट, ग्रीन मार्क बना हुआ है इसके ऊपर, देख सकते हो आप। 3 years आपको इसकी शेल्फ लाइफ मिल जाएगी एंड क्रुएल्टी फ्री है, आप देख सकते हो। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड बायो एक्टिव्स इसके अंदर डाले हुए हैं। ट्यूब की पैकेजिंग आपको मिल जाएगी, ट्रेवल फ्रेंडली है, कहीं पे भी आप इसको अपने साथ लेके जा सकते हो। एंड गाइस थोड़ा सा ध्यान दो इस ट्यूब के ऊपर, ये देखो कितनी पिचक गई है, मतलब लुक एट द ट्यूब, क्योंकि मैं इसको ऑलरेडी सारा खत्म कर चुकी हूँ, उसके बाद मैं इसको रिव्यू कर रही हूँ। बाय द वे मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि मैं ये वाला फेस वॉश यूज कर रही हूँ, थोड़ा सा मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी कि इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला। देखो निकल नहीं रही क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं, मैंने इसको सब यूज कर लिया है। ये देख लो डियर, कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, ट्रांसपेरेंट जैसे जेल होती है ना, बिल्कुल जेल बेस्ड है। ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छी लगी एंड थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड्स वाले आप सबके साथ शेयर कर देना। मेरी तरफ से वाओ के एंटी एक्ने फेस वॉश को जरूर 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 ट्राई करो, आपको पक्का पसंद आएगा एंड आई होप आपके पिंपल्स भी जल्दी से जल्दी ना खत्म हो जाए, जैसे मुझे यार ये वाले इंग्रीडियंट्स वाले प्रोडक्ट सूट करते। डेफिनेटली आपने देखा ही यार पहले मेरी स्किन, अब मेरी स्किन थू 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 नजर ही मतलब जाए, टच वुड। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। स्किन को लेकर यार मैं भी थोड़ी सी वहम में आ जाती हूँ, मैं क्या करूँ, बड़ी मुश्किल से साफ किया यार अपना फेस मैंने, बाय।